हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। फाइनली एक अपडेट आया है एसएससी सीजीएल कोर्ट केस से रिलेटेड, जो कि आज सीडी का केस की हियरिंग थी। उसमें ये चीज़ें पता चली हैं कि जो सीजीडी की वैकेंसीज हैं वो 2017 में ऐड नहीं की जाएंगी, और जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो 15 तारीख को ही आ जाएगा। ठीक है, और भी सोर्सेज से पता चला है कि एसएससी की वेबसाइट पर 15 तारीख को आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सुबह मिलेगा या शाम मिलेगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन रिजल्ट 15 तारीख को फाइनली आने वाला है। ठीक है, इसकी 100% गारंटी है कि 15 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। बाकी एसएससी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जितना हम नेगेटिव हो जाते हैं एसएससी को लेके, अभी उतना नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। 15 तारीख को हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो एसएससी सीजीएल 2017 की फाइनल वैकेंसीज हैं वो सेम ही हैं, डेट इज 8125, जो पहले टेंटेटिव वैकेंसी करके आई थी वही आपकी फाइनल वैकेंसीज हैं। साथ ही साथ आपको बताऊँ, मैं सीजीडीए में जो टोटल 3082 वैकेंसीज सीजीएल 17 के लिए रिपोर्ट की गई थी, वो सीजीएल 2018 में डाली जाएंगी। ठीक है, उन्होंने लिखा था ये, पहले मैंने आपको नोटिस दिखाया भी था। और जब हम वैकेंसीज की बात करते हैं सीजीएल 2018 की, तो हम सीजीडी की वो 3082 वैकेंसीज को ऐड करके बात करते हैं। ठीक है, तो वो सीजीएल 18 में ऐड की गई हैं। और अगर हम बात करें, जो लिस्ट आपको निकाली गई थी 8125 वैकेंसीज की, वो सेम ही है। बाकी अगर हम बात करें एएसओ एंड सीएसएस पोस्ट के लिए, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस थे जो आरटीआई से हमें पता लगा था। जैसे कि अगर हम बात करें 2017 में जो पहले वैकेंसीज थी जनरल कैटेगरी से, वो 284 थी, लेकिन अब वो शायद 192 हैं। ओबीसी कैटेगरी से 36 थी, वो 112 हैं। एससी कैटेगरी से 24 थी, वो 38 हैं। और एसटी कैटेगरी से 27 थी, वो 29 हो गई। तो टोटल 371 ही हैं, लेकिन वो कैटेगरीज में चेंज बढ़ गई हैं। मतलब जनरल की थोड़ी कम, ओबीसी में थोड़ी ज़्यादा, मतलब इस तरह से चेंजेस देखने को मिले हैं। तो हो सकता है फाइनल रिजल्ट में भी ये चीज़ें हमें देखने को मिलें। बाकी एसएससी की पे एक आरटीआई भी लगाई गई थी कि फाइनल वैकेंसीज कितनी होंगी, और वो 8125 ही आई थी। वो रिप्लाई मेरे पास काफ़ी पहले आ गया था, लेकिन मैंने वो शो नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि एसएससी में चेंजेस आते रहते हैं, तो मैं भी थोड़ा घबरा रहा था वो बताने से पहले। लेकिन 8125 वैकेंसीज ही हैं, और जो आपकी टेंटेटिव वैकेंसी लिस्ट आपको मिलेगी एसएससी की वेबसाइट पर, वही आपकी फाइनल वैकेंसीज हैं। ठीक है, सीएसएस में ये चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, ये आरटीआई के थ्रू पता लगा था, और बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और जो भी होगा देखा जाएगा कट ऑफ वगैरह क्या जाएगी। अभी फेसबुक वगैरह पे कुछ पेजेस पे कट ऑफ लीक होने की बात की गई थी, लेकिन मेरे हिसाब से वो फेक है। बाकी परसों पता चल जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। और इस टाइम पे फेक मैसेजेस बहुत ज़्यादा स्प्रेड किए जाते हैं, थोड़ा उनसे बच के रहो। ठीक, तो बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।